हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह बहुत ही कॉमन टॉपिक है और महिला को कभी ना कभी यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है या तो कभी ना कभी उन्होंने फेस किया ही होगा कि इरेगुलर पीरियड्स या तो हैवी ब्लीडिंग। कभी कभी देखा है कि यंग गर्ल्स होते हैं उनको भी एकदम हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो फीमेल्स हैं उनको भी कभी ऐसी हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सो यह हैवी ब्लीडिंग जो है उसके रीजंस क्या क्या होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल ब्लीडिंग और व्हाट इज़ अ हैवी ब्लीडिंग। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का यह डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है, जैसे नॉर्मल पीरियड का जो साइकिल है वो 28 डेज प्लस और माइनस 7, यानी कि यदि कोई फीमेल को पीरियड 21 डेज 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आ रहे हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल जो फ्लो रहता है वो 5 से 7 दिन रहता है पर डे ऑन एन एवरेज। जो पैड चेंज करते हैं एवरेज इज 2 to 3 पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और टोटल जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स दैट इज़ अप टू 50 to 60 ml मैक्सिमम। सो अभी मैं बताती हूँ कि एबनॉर्मल यानी कि कभी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या तो गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करने की ज़रूरत है यदि आपका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर है, यानी कि हर 15-15 दिन में मासिक शुरू हो जाता है, या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर है 1.5 महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार ऐसे अगर आ रहे हैं, या तो फिर जो ब्लीडिंग का दिन है जैसे नॉर्मली 5 to 7 डेज रहता है लेकिन यदि आपको यह जो फ्लो है ब्लीडिंग है वो 10 से 12 दिन कंटिन्यूस रहता है तो आपको गायनेक डॉक्टर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत अवश्य है। और है कि जब भी ब्लीडिंग होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है वो पानी के जैसा होता है लेकिन यदि उसमें गट्ठे गट्ठे ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। सो अगर आपको मोर देन 7 डेज ब्लीडिंग शुरू रहता है या तो ब्लड फ्लो जो है मोर देन 60 to 70 ml है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस लग रही है आपको, तभी यह समय है कि आपको गायनेक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो ब्लीडिंग होता है हैवी ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग। सो यह हैवी ब्लीडिंग होने के क्या क्या कॉमन रीजंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स रहती है, जो उनका प्यूबर्टी है या तो टीनेजर एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, वह गर्ल्स में मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पीरियड शुरू हुआ है एक ब्लीडिंग आ जाती है और उसके बाद मे बी 4 to 6 मंथ्स उनको ब्लीडिंग नहीं आता है और उसके बाद का जो ब्लीडिंग होता है जो मेंसेस रहता है उसमें हैवी फ्लो हो सकता है। दूसरा है कि कोएगुलेशन डिसऑर्डर अगर है तो ऐसे पेशेंट में भी हैवी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। यदि मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है तभी भी यह प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले यानी कि 25 to 45 ईयर्स के बीच की जो महिलाएं हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि आइदर मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है या तो एडिनोमायोसिस जैसी अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। और मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। तीसरा ग्रुप जो है दैट इज़ अ पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप, और यह जो एज ग्रुप है इसमें जैसे मीनोपॉज आने की शुरुआत होती है या तो मीनोपॉज आने के पहले का जो समय है जिसे पेरीमीनोपॉज कहा जाता है
यह समय दरमियान भी उनका ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकता है, हैवी हो सकता है। लेकिन जो भी महिला है जिनका मेंसेस चला गया है और अगर उसके बाद उनको ब्लीडिंग की शिकायत होती है तो वी हैव टू रूल आउट यूट्राइन कैंसर या तो एंडोमेट्रियल कैंसर रूल आउट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो होता है जनरली जब भी बच्चेदानी के अंदर का जो लेयर है उसका थिकनेस अगर बढ़ जाता है या तो फिर कैंसर जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर की अगर संभावना है तो ऐसे पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। आइए अब डिस्कस करते हैं इन डिटेल अबाउट सारे जो भी रीजंस मैंने अभी आपको एज ग्रुप वाइज समझाए उसे हम डिटेल में अभी बात करते हैं। सो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप देख सकते हो कि यह गर्भाशय का जो थैली है यूट्रस है दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स हैं और यह दोनों बाजू के ओवरीज हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यह वजाइनल स्पेस है और यह सर्विक्स है। सो मोस्ट कॉमन रीजन जो हम रूटीन प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ वह है वल्वो वजाइनल इन्फेक्शन या तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। वल्वो वजाइनल इन्फेक्शन यानी कि जो वजाइना है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन है, जैसे मेरा वीडियो है पूरा डिटेल में अबाउट द वजाइनल डिस्चार्ज, तो यदि आपको और कोई क्वेरीज है वजाइनल डिस्चार्ज के रिलेटेड और उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वह वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद है कि सर्विक्स यानी कि बच्चादानी का मुख। आपने सुना होगा, काफ़ी बार आपके गायनेक डॉक्टर ने आपको बताया होगा यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो, कि गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पर अल्सर हो गया है जिसे हम क्रॉनिक सर्विसाइटिस कहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ से वजाइना से इन्फेक्शन सर्विक्स, सर्विक्स में से धीरे धीरे यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। दोनों बाजू में फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं और फेलोपियन ट्यूब्स का जो ओपनिंग रहता है यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पेट के अंदर के भाग में वह खुलता है और जैसे इन्फेक्शन यहाँ से स्प्रेड होके पूरे एब्डोमिन में भी फैल सकता है जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कहते हैं। जिन पेशेंट को पीआईडी की प्रॉब्लम्स हैं उनको कमर में दर्द, पैर में दर्द, बार बार इन्फेक्शन पेड़ों के भाग में दर्द होता रहता है, क्रैम्प्स आते रहते हैं, ऐसी सब समस्या होती है तो आपका एक बार चेकअप हो जाता है कौन सा इन्फेक्शन है वह हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि यूट्रस के अंदर यानी कि कोई महिला को यदि हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है तो और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। जैसे यूट्रस के अंदर मैंने बताया कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स अगर है अंदर के लाइनिंग में, कोई पॉलिप है, कोई फॉरेन बॉडी है, इवन काफ़ी पेशेंट रहते हैं जिनको कॉपर टी रखा हुआ है, ऐसे पेशेंट में भी कभी कभी हैवी फ्लो हो सकता है। और यह जो हैवी फ्लो है वो कॉपर टी की वजह से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यदि आप पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो, इन्फेक्शन अगर वजाइना में इन्फेक्शन है तो यह इन्फेक्शन अंदर स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिन पेशेंट में कॉपर टी लगी हुई है। सो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन अगेन यहाँ पे ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे पेशेंट है कि जिसमें बच्चेदानी के जैसे तीन लेयर्स होते हैं, यह अंदर का लेयर है, ये बीच का लेयर है और यह बाहर का लेयर है। जो बीच वाला जो लेयर है अगर उसकी थिकनेस बढ़ती है जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं तो ऐसे पेशेंट में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। इवन बाहर के भाग में फाइब्रॉइड्स है या तो बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स है तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा है कि अगर कोई महिला है कि जो बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इरेगुलरली ले रहे हैं या तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे आई पिल कहते हैं, तो अगर आप बार बार यह आई पिल वगैरह का सेवन करते हो तो आपका ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकता है, आपको हैवी ब्लीडिंग की भी शिकायत हो सकती है। दूसरे पेशेंट है कि जो पेशेंट है कि प्रीपोन्ड या तो पीरियड्स को पहले लाने के लिए, जल्दी लाने के लिए या तो पीरियड्स को पोस्टपोन्ड करने के लिए जो मेडिसिंस लेते हैं तो उसके बाद भी हो सकता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग की शिकायत रह सकती है। दूसरा जो एज ग्रुप है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी, काफ़ी बार देखते हैं कि पेशेंट को पता नहीं होता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उसका मंथली पीरियड्स आ रहे हैं और सडनली हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। सो प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है या तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन की जो सेपरेशन हम बोलते हैं कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, तो ऐसे सब पेशेंट में भी ब्लीडिंग की समस्या बढ़ सकती है।
बाद में जो फेज है कि जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, गर्भाशय के मुख पे अगर जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन गर्भाशय के मुख पे है तो ऐसे पेशेंट में भी ब्लीडिंग हो सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के समय के पहले अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तो यह समय में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो टीनेजर एज ग्रुप है, जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस में मोस्ट कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी कि पीसीओडी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कभी उनको स्पॉटिंग रहती है, कभी एकदम हैवी फ्लो रहता है, कभी उनके पीरियड्स 15-15 दिन में आते हैं, कभी उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं यानी कि 1.5 महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी जब पीरियड्स बहुत दिन लंबा जाता है, जैसे 1.5 महीने 2 महीने या 6 महीने हो जाते हैं और उसके बाद जब ब्लीडिंग शुरू होता है तो यह हैवी हो सकता है। दूसरा है कि थायराइड प्रॉब्लम्स, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म जो हम कहते हैं, तो जो भी पेशेंट है जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें भी रेगुलर ब्लीडिंग एंड हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। दूसरे जो रीजंस है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ओवरी के अंदर अगर चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे पेशेंट में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी अचानक से हैवी ब्लीडिंग की शुरुआत हो सकती है। दूसरा है कि कोएगुलेशन डिसऑर्डर यानी कि मोस्ट कॉमनली जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, टीनेजर एज ग्रुप है, अगर उनमें ऐसा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो हमें यह चीज़ रूल आउट करना है, क्योंकि हम काफ़ी देखते हैं कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है या तो फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है। तो ऐसे जो पेशेंट है जिसमें ब्लड क्लॉट होने के जो फैक्टर्स रहते हैं वह अगर कम है, उनकी मात्रा कम है, तो उसकी वजह से भी उनको हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको एंडोमेट्रियल कैंसर, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स हैं जिनका पीरियड चला गया है और उसके बाद अगर उनको ब्लीडिंग आता है तो यह इसमें हमें सतर्क रहने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि यह पेशेंट को गर्भाशय के अंदर का कैंसर यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। दूसरा है कि किसी को अगर सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी बार हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम वगैरह का स्ट्रेस रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि अगर उनके पीरियड शुरू है तो अचानक से हैवी ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स और एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो तो उसकी वजह से भी आपको हैवी ब्लीडिंग की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कॉमन रीजंस है हैवी ब्लीडिंग के, उसके बारे में चर्चा की है और कौन से एज ग्रुप में कौन सा प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा रहती है, कभी आपको गायनेक डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है, नॉर्मल ब्लीडिंग कैसी होती है, हैवी ब्लीडिंग कभी कहा जाता है, इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यदि आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब दे सके। थैंक यू वंस अगेन।